So hello guys, welcome back to College Dunya's MBA YouTube channel. आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. मैं आपको रीजंस देने वाला हूँ क्यों आपको MBA नहीं करनी चाहिए. Yes, you heard it right. क्यों आपको MBA नहीं करनी चाहिए. Of course, आज की डेट में प्रोफेशनली MBA आपको बहुत हेल्प कर सकता है. बट मेनी एस्पिरेंट्स बहुत ही रॉन्ग रीजंस के लिए MBA की लाइफ में जाते हैं, MBA की डिग्री में जाते हैं एंड दैट प्रूव्स हार्मफुल फॉर देम. सो उन्हीं चीजों से बचने के लिए मैं कुछ रीजंस ला रहा हूँ जो रीजन आपको नहीं होने चाहिए MBA करने. सो पहला रीजन जिसके लिए आपको MBA नहीं करनी चाहिए इज मनी. अब आप बोलोगे ये कैसा रीजन है, मनी के लिए तो करते हैं. अच्छी प्लेसमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर MBA, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ पैसा देख के आप MBA में ना जाइए. MBA की जो प्लेसमेंट्स होती है वो थोड़ी सी इन्फ्लेटेड रहती है. CTC और इनहैंड सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है. उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है और वो चीज समझने के बाद ही आप MBA में जाएं ताकि आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, ताकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक रहे. 30 लाख 40 लाख का पैकेज देके आप चले जाएं और इनहैंड आपको 1.5 लाख मिल रहा है तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे बहुत अफेक्ट करते हैं. अगेन आपको रिमाइंड करवा दूं, MBA कॉलेजेस प्लेसमेंट कमिटी या प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है. MBA एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. वहां पे आप सीखने के लिए जाइए, प्लेसमेंट या पैसे के लिए ना जाइए. जितना सीखोगे उतना अच्छा है. सेकेंड रीजन जिसके लिए आपको MBA नहीं करनी चाहिए दैट इज बोर्ड. बोर्ड बोले तो आप अपने जॉब से बोर हो रहे हैं और आप सोचते हैं चलो क्या करें यार, इस जॉब में बोर हो गए अब MBA करते हैं. नहीं, बहुत गलत रीजन. क्यों? अगर आप अपनी करंट जॉब में बोर हो रहे हैं तो MBA करने के बाद अपनी जो जॉब मिलेगी, आपकी जो कॉर्पोरेट जॉब रहेगी, वहां भी बोर होगी. अच्छा रीजन होगा अगर आपको अपना करियर पिवट करना है, दूसरे फील्ड में जाना है, तो वो एक अच्छा रीजन है MBA करने का. बट अगर जस्ट बिकॉज यू आर बोर्ड इन योर ऑफिस डजंट मीन कि आप MBA कर लो. और ये भी बात है कि अगर आप अपनी जॉब से परेशान हैं, बोर्ड हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपको नई फील्ड एक्सप्लोर करने का. आजकल के टाइम पे स्टार्टअप्स आपको बहुत अच्छा एवेन्यू देते हैं कई सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करने का और प्रोफेशनली ग्रो करने का. थर्ड रीजन है ग्रोथ से रिलेटेड, दैट इज स्लो ग्रोथ. अगर आपकी कंपनी में आपकी ग्रोथ स्लो हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि MBA में जाओगे और सडनली ग्रोथ हो जाएगी. MBA में जाते वक्त आपकी फीस लगती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है एंड बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लगता है, तो इट्स नॉट सो इजी. तो अगर आपको ग्रोथ एक आपका रीजन है तो आपको MBA नहीं करनी चाहिए. ग्रोथ के लिए आप बहुत सी सर्टिफिकेशन, अपने आप को स्किल अप कर सकते हो. ऑल्सो आप स्विच भी कर सकते हो ताकि आपकी ग्रोथ जल्दी हो और अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिले. फोर्थ रीजन हमारे को देखने को मिलता है प्रेशर. अब मेजॉरिटी लोग फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर और आजकल तो नया गर्लफ्रेंड प्रेशर में MBA कर लेते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड कर रही है या घर वालों ने कहा है या फिर पीयर्स कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं तो MBA करना है. नहीं, दिस इज नॉट द राइट रीजन. आपको कभी भी प्रेशर में MBA नहीं करनी है. यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज कि आपको MBA से ग्रोथ मिल रही है, MBA से आपको अपने प्रोफेशनल एस्पिरेशन क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, तभी आप MBA पे जाइए. एंड लास्ट इज ग्रेजुएशन. अब ग्रेजुएशन का मतलब क्या है? अगर आपने अपना बैचलर्स नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BSc, लाइक BA, लाइक BBA इनमें करी है तो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स कम होते हैं, तब आप MBA के लिए सोच सकते हैं. बट अगर आपने प्रोफेशनल कोर्सेज करे हैं लाइक MBBS, लाइक BTech, लाइक LLB, जहां पे प्रोफेशनली आपके जॉब एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा खुले हैं, तो आपको MBA की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट अ ट्रेंड कि आपको MBA करनी है. ऐसे ट्रेंड को लेके आपको MBA नहीं करनी चाहिए. सो बेसिकली आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं तो आप अपनी फील्ड को रियलाइज करिए. अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो 2-3 महीने मेहनत करके आप अच्छी जॉब ले सकते हैं, रादर देन गोइंग फॉर अ 2-ईयर MBA जहां पे आपका स्टूडेंट लोन और बढ़ सकता है. सो आई थिंक दीज आर द रीजन जिनकी वजह से आपको MBA नहीं करनी चाहिए. MBA करने के बहुत से रीजंस हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे एवेन्यूज हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, MBA कॉलेजेस आर नॉट प्लेसमेंट एजेंसीज. वहां पे आप सीखने के लिए जाओगे तो आपकी अच्छी ग्रोथ रहेगी, रादर देन अगर आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे. With this we end today's video. I hope आपको और क्लैरिटी आएगी अपने मिशन में, अपने एस्पिरेशंस में एंड एक्सपेक्टेशंस में. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉलेज दुनियाज MBA YouTube चैनल. अगर आपकी फिर भी क्वेरीज रह जाती हैं रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल एस्पिरेशन, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड सेंड योर क्वेरीज टू द एक्सपर्ट्स. थैंक यू.